rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। आगरा में लोगों ने नए साल के जश्न में लापरवाही बरती, अब नतीजा सामने है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग चिंतित हैं। इसी बीच आगरा में कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। नए साल के दूसरे दिन रविवार को आगरा में 28 कोरोना संक्रमित सामने आए। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है। नए साल पर लोगों की लापरवाही का नतीजा सामने आने लगा है। जिस आगरा में पिछले कुछ समय से एक भी कोरोना केस सामने नहीं आ रहा था, अब वहां लगातार केस बढ़ रहे हैं। रविवार को जारी आंकड़े के बाद आगरा में संक्रमित मरीज की संख्या 57 हो गई है। हफ्ते भर से करीब 5, 6 और 7 की संख्या में मरीज मिल रहे थे, लेकिन रविवार को जो मरीज मिले हैं वो हफ्ते भर के केस से ज्यादा है। आगरा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 57 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को आंकड़े जारी करके 28 नए मरीज मिलने की पुष्टि की, जिसके बाद फिर से आगरा में कोरोना संक्रमण का साया मंडराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना के प्रति आगाह कर रहा था और लगातार सैंपलिंग कर रहा था। ऐसे में एक दिन में इतने केस निकलने से लोगों में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा हो गया है। लिहाजा सावधान रहिए और सतर्क भी, गाइडलाइंस को फॉलो करना मत भूलिए। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।